नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपग्रेड यू पर। और आज हम देखेंगे पोस्ट पेमेंट बैंक्स जो हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किए गए, इसके खास फीचर्स, इसके बारे में सारा कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यह 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च की गई है। यह भी बिल्कुल एक पेमेंट बैंक की तरह है। इसमें आपको बचत एवं चालू खाता दोनों खुलवा सकते हैं, यानी कि सेविंग और करेंट अकाउंट्स आप इसमें दोनों खुलवा सकते हैं। यह एक डोर स्टेप बैंकिंग है कि आप घर बैठे ही पैसा जमा या निकाल सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है वह आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक इसमें जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़िलहाल करंट अकाउंट की जो सुविधा है वह फ़िलहाल नहीं दी गई है, हालांकि बाद में इस सुविधा को इसी के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ फैसिलिटीज़ जो इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यह इस खाते में आप विदेश से भी पैसे को मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट की सुविधा, UPI, USSD, AEPS के साथ साथ इसमें आप मोबाइल मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेमेंट ऑफ बिल्स और इसमें एक और खास फीचर है कि आपको जो SMS अलर्ट है वह फ़ोन पर ही डायरेक्ट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ़ोन पर ही डायरेक्ट मिलेगा। इसके बाद इसमें बात करते हैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इसमें जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वह 5.5% यदि आपकी अमाउंट जो है बैंक मतलब पोस्ट ऑफिस में जो अमाउंट है वह यदि 50,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है तो आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा आपके अकाउंट में यदि 25,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम अमाउंट है तो आपको 5.0% इंटरेस्ट की रेट से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा आपके अकाउंट में यदि 25,000 से कम है तो आपको 4.5% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट होगा, जो ब्याज का जो भुगतान होगा, वह हर तिमाही पर यानी कि एवरी थर्ड मंथ पे इसका जो पेमेंट है वह कर दिया जाएगा, हालांकि एनुअल रेट पे ही होगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसी से इंटरेस्टिंग जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें किस किस प्रकार के अकाउंट्स खोले जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के अकाउंट्स बेसिकली खोले जाते हैं, ये सफल अकाउंट, सुगम अकाउंट और सरल अकाउंट। अब चलिए एक ही करके देखते हैं, यानी सभी अकाउंट्स की एलिजिबिलिटी क्या क्या है और कैसे आप इसे एसेस कर सकते हैं। सबसे पहले सफल अकाउंट। सफल अकाउंट जो है एक सेविंग अकाउंट है। इसमें वह हर व्यक्ति जिसकी आयु 10 वर्ष या उससे ज़्यादा है वह इसके लिए एलिजिबल है। इसमें यह अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बेसिकली जो मिनिमम पेमेंट है वह 100 रुपये तक आप पे करके यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर अकाउंट की जो मिनिमम लिमिट है वो यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं की गई, यानी कि कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। और जो मैक्सिमम लिमिट है वह है 1 लाख रुपये। इसके अलावा सुगम अकाउंट्स भी बिल्कुल सेम है सेविंग अकाउंट्स की तरह ही, हर वो व्यक्ति जो 10 साल या उससे ज़्यादा का है उसके लिए एलिजिबल है। 100 रुपये इसमें भी लगेंगे अकाउंट खुलवाने की, कोई मिनिमम अमाउंट लिमिट नहीं है और मैक्सिमम अमाउंट लिमिट वही 1 लाख रुपये। अब चलते हैं आगे और देखते हैं सरल अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर जो लास्ट अकाउंट है जो कि यहाँ पर सरल अकाउंट के नाम से है, तो सरल अकाउंट में भी सुगम अकाउंट में भी जो बेसिकली ओवरऑल जो है हम देखते हैं तो यह भी एक सेविंग अकाउंट है, हालांकि इसमें फैसिलिटी थोड़ी और अकाउंट से अपेक्षा कम मिलती है। इसके अलावा यह भी बिल्कुल वैसा ही है, मतलब आपकी उम्र यदि 10 साल या 10 साल से अधिक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है अकाउंट ओपन करने के लिए, कोई मिनिमम अमाउंट नहीं मेंशन किया गया। इसके अलावा इसमें कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है और मैक्सिमम लिमिट सभी में हालांकि फिक्स है 1 लाख रुपीज़। इसके अलावा यह अकाउंट में एक खास बात है कि यदि आपका बैलेंस 0 होता है तो भी यह अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात है, वाकई में एक बहुत ही अच्छा प्लान है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में रिक्वायरमेंट्स, यानी कि क्या क्या आपको इन सभी मतलब अकाउंट्स आप यदि खुलवाने के लिए चाहते हो तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, किस किस चीज़ों की आवश्यकता होंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए, यानी कि आपके पहचान के लिए, आप पैन कार्ड, आधार, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं और इसका ओरिजिनल कॉपी आपको साथ ले जाना होगा। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड, आधार, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स की फ़ोटो कॉपी आपको ले जानी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बस दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आए होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दो हर नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।